हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरुका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। त्योहारों पर हम घर पे ही मिठाई बनाना पसंद करते हैं, तो आज मैं लेकर आई हूँ बिना मावा के 10 मिनट में बनने वाली मिल्क पाउडर बर्फी। यह घर में रखे चंद इंग्रेडिएंट से ही झटपट बनने वाली बर्फी है। तो चलिए बर्फी बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए कढ़ाई में मैं 1/4 कप घी डाल दूंगी। घी डालने के बाद आधा कप दूध डाल देंगे। आप लो फैट, फुल फैट कोई सा भी दूध डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बॉइल्ड मिल्क डाला है, पर फिर भी 1 से 2 मिनट के लिए इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। मिला लेंगे दूध और घी को और 1 मिनट के लिए हल्का गर्म कर लेंगे। दूध हल्का सा गर्म होने के बाद 2 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर को मैंने यहाँ बैचेस में डाला है, जिससे लम्स कम पड़ेंगे। और मिला लेंगे मिल्क पाउडर को। जो भी आपको लम्स दिख रहे हैं, आप उन्हें हटाते जाइए। और सारे मिक्सचर को मिलाने के बाद जो बचा हुआ मिल्क पाउडर था, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है और उसे भी मिला लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए लम्स को हटाते जाएंगे। बस इसी तरह से लगातार चलाते रहना है और लम्स को हटाते रहना है। मिक्सचर को एकदम गाढ़ा होने तक या जमने वाली कंसिस्टेंसी में आने तक चलाते रहेंगे। इसमें लम्स आना बिल्कुल नॉर्मल है, ये अपने आप चलाते रहेंगे तो ये हट जाएंगे। देखिए मिक्सचर हमारा पहले से गाढ़ा हो गया है और ये पैन भी छोड़ने लगा है। तो यहाँ पे हम 1/2 कप पाउडर शुगर डाल देंगे। चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था और इसका पाउडर बना लिया था, इसको डाल देंगे। मैं यहाँ पर 1/2 कप ही पाउडर शुगर यूज़ ले रही हूँ, क्योंकि मिल्क पाउडर में ऑलरेडी स्वीटनेस होती है। मिला लेंगे इसको भी। शुगर गर्म होने पर पानी छोड़ती है, तो हमारा जो मिक्सर है वो थोड़ा सा पतला हो गया है। फिर से इसको गाढ़ा कर लेंगे। बस इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। किनारों से इसको हटाते रहेंगे। देखिए मिक्सचर पहले से गाढ़ा हो गया है, बस थोड़ा सा और पकाएंगे इसको, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये स्टिकी है। देखिए पैन भी छोड़ने लगा है, तो हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें फ्लेवर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे इलायची का फ्लेवर डाल रही हूँ। मिला लेंगे इसको। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं या टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं। बस 1 मिनट के लिए और चला लेंगे इसको। बस इस कढ़ाई में से इस मिक्सचर को निकाल के सेटिंग ट्रे में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये सेटिंग ट्रे ली है, इसको घी लगा के ग्रीस कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी नहीं चिपके। इस तरह से किनारों पे भी अच्छे से इसमें घी लगा लेंगे और इस मिक्सचर को इस सेटिंग ट्रे में डाल देंगे। ध्यान रखिए कढ़ाई या पैन जो भी है, ये बहुत गर्म होता है, तो इसको ध्यान से डालिएगा। अब मैंने इसको सेट कर दिया है। इसके ऊपर मैं ये ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग कर दूंगी।
आप कोई से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स की कटिंग डालने के बाद इसको एक कटोरी या चम्मच से इसको हल्का सा दबा देंगे, जिससे अंदर की तरफ चले जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। कटोरी के बैक साइड से मैंने इसको ग्रीस कर लिया था। फिर इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देंगे। 1 घंटे बाद चेक करेंगे, बर्फी बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो छोटे बड़े जो भी साइज आपको पसंद हो इसको कट कर लें। ये अच्छे से सेट होने के बाद बहुत ही आसानी से निकल जाती है। आप चाहें तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी ये सेट होकर तैयार हो जाती है। तो एक बार फिर मैं निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और मॉइस बनी है। इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। त्योहारों पे आप इस बर्फी को बनाइए और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।